उसके बाद में इनका कहना यह है कि हमारे जो जेवरात थे सोने की चैन और झुमकी वो एक कमरे में अलमारी में रखे हुए थे, वहीं चाबी रखी हुई थी। अजमेर की मीणा कॉलोनी से एक महिला ने अपने देवर के खिलाफ रामगंज थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार परिवादी महिला राजसंबंध अपने पीहर गई हुई थी। इसी बीच परिवादी महिला ने देवर के घर पर होने के चलते झुंझुनू निवासी अमित पर जेवरात चोरी का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मीणा कॉलोनी का मामला है। श्रीमती सुनीता वाइफ और रतन सिंह मीणा है, ये मीना कॉलोनी रहती हैं। इनका देवर इनके पास आया हुआ था, जो झुंझुनू का रहने वाला है, अमित नाम है उसका। तो ये सुनीता पिछले माह 13 तारीख को अपने पीर चली गई थी। उसके बाद इसका पति इसको लेने चला गया दूसरे एक दिन 15 तारीख को। ये अमित घर पर अकेला था, एक वृद्ध माता जी हैं, वो लुड़ नहीं सकती हैं, वो थे और बच्चे। उसके बाद में इनका कहना यह है कि हमारे जो जेवरात थे सोने की चैन और झुमकी वो एक कमरे में अलमारी में रखे हुए थे, वहीं चाबी रखी हुई थी बेड के नीचे। तो अब इसने आकर के वहाँ से राजसंबंध से चेक किया तो वो जेवरात नहीं मिले। अमित से इसने बात करी फ़ोन से एक दो बार तो वो इनको गुमराह करा था। अमित के नाम जिन उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, अभी लंबे ही उससे बात चल रही है, उसको लाकर की बरामदगी का प्रयास करूंगा। ये अमित झुंझुनू का रहने वाला है, नर्सिंग ट्रेनिंग कर रहा है जयपुर में। रतन का मासी का लड़का है, मुस्तकी सा जो सुमन है जी, इसकी मासी सास का लड़का है वो। मंदिर या शादी ब्याह किसी भी प्रकार के हवन पूजन की सामग्री के लिए चले आइए दिव्य ट्रेडर्स। हमारे यहाँ हवन पूजन और कर्म कांड से जुड़ी सभी प्रकार की सामग्री वाजिब दामों पर मिलती है। साथ ही घर और किचन की साफ सफाई के लिए क्लीनिंग आइटम भी उपलब्ध। तो आज ही संपर्क करें फ्री होम डिलीवरी के साथ दिव्य ट्रेडर्स, सेंट जॉन्स स्कूल के सामने वाली गली ब्लू कैसल अजमेर, 8769033139। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही होप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा अजमेर, 9571204206।